जाधव परिवार की मुलाकात पर लश्कर आतंकी का बड़ा खुलासा। आईएसआई ने रची थी जाधव परिवार से बदसलूकी और अपमान वाली साजिश। पाकिस्तानी जेल में जासूसी के आरोप में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। एक दिन पहले ही एक बलूच नेता ने जाधव की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा खुलासा किया था और अब जाधव से मुलाकात के दौरान उनकी मां और पत्नी से हुई बेअदबी को लेकर लश्कर के एक आतंकी ने बड़ा खुलासा किया है। जाधव परिवार के साथ पाकिस्तान में हुए अपमान को लेकर आतंकवादी हाफिज सईद के करीबी और लश्कर आतंकी आमिर हमजा ने चौंकाने वाला दावा किया। अपने एक बयान में हमजा ने कहा कि जाधव के परिवार के अपमान की साजिश आईएसआई ने रची थी। इतना ही नहीं, हमजा ने इसको लेकर पाक खुफिया एजेंसी की जमकर तारीफ भी की। रावलपिंडी में एक रैली के दौरान लश्कर के को-फाउंडर आमिर हमजा के मुताबिक पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जाधव से उनके परिवार की मुलाकात के दौरान हर कदम पर साजिश रची। हमजा की माने तो जाधव की पत्नी के जूते और कपड़े बदलवाने का काम भी आईएसआई के इशारे पर ही किया गया। आईएसआई की तुलना चीते की आंखों से करते हुए हमजा ने कहा कि भारतीय अनुरोध के बाद पाकिस्तान ने मानवीय आधार पर जाधव के परिवार को मिलने की इजाजत दी। भारत चाहता था कि जाधव और उनका परिवार आमने सामने बैठकर बातें करें, लेकिन आईएसआई ने ऐसा होने नहीं दिया। इतना ही नहीं, हमजा ने तो आईएसआई को जाधव की पत्नी के जूतों में कैमरा मिलने का भी दावा किया है। हालांकि भारत पहले ही इसमें पाकिस्तानी साजिश की आशंका जाहिर कर चुका है, लेकिन जिस तरह से हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं उससे पाकिस्तान अपने ही बुने जाल में फंसता दिखाई दे रहा है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।